हमारे रूम के बाहर ही जो टेंट है उसके बाहर ही आड़ू का पेड़ है, और ये खड़ा दूसरा आड़ू, पहला आड़ू मैं खा रहा हूँ। अड़ियल बोलते हैं इसे। वाह वाह, क्या बोलते हैं? मुझे बोलते हैं अड़ियल, आड़ू नहीं। अच्छा, ये अड़ियल है और ये आड़ू है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी बनो छोटे को हेलो। तो देख रहे हो कहाँ रुके हुए हम? पहाड़ों के बीच में, वी आर इन। अभी मैं इसको कह रहा था यहीं से तेरे को प्लेन में बिठा देता हूं। अभी यहाँ से प्लेन गया था, कह रहा प्लेन में बिठाया था, निकल जा दिल्ली। मैं नहीं यार, जहाँ तक बाइक चला सकता चला लेता हूँ। सो वी आर इन हुंदर राइट नाउ। अभी देखते हैं कैमल सफारी। हुंदर नहीं, हुंडर। हुंदर होता है यार, हुंडर। हुंदर होता है या हुंडर होता है, क्या फर्क पड़ता है, समझ गए ना? तो अभी कैमल सफारी करेंगे, देखते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते। टाइम कम है, उठने में एक घंटा लेट हो गया, 6 बजे उठना था, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं। फिर जाएंगे पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक से जाएंगे ले। तो आज करीबन हमें चलानी है 350 किलोमीटर, और थोड़ा रास्ता भी उबड़ खाबड़ है। पैंगोंग लेक में नहाना भी है इसने, नहाएगा भाई? कोशिश करेगा पैंगोंग लेक में नहाने की। वाह वाह वाह, कुछ भी बोल देते हैं हम। तो चलिए नाश्ता वास्ता करते हैं और बैग भी पैक करना है। एक बार आपको अपना टेंट दिखाऊं, टेंट। This is our room. ये सारा अमित का सामान बिखरा हुआ है, अभी पैकिंग करनी है, और ये जैकेट हमारी, और ये सारा सामान मेरा। तो ये अपना वॉशरूम छोटा सा। हुंदर को करते हैं बाय, बहुत मजे आए, बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा गांव शहर बसा हुआ, जहाँ कुत्ते हैं, मुर्गियां हैं, गधे हैं, कैमल, दो पीठ वाले कैमल हैं। वो कहाँ गए यार, उस पर तो घूमे भी नहीं अभी हम। तो चलो पहले कैमल ढूंढते हैं। मौसम एकदम ठंडा कहते हैं ना, जो ठंडा कहते हैं जिसको, उससे भी ज़्यादा ठंडे वाला, और उससे भी ज़्यादा ठंडे वाला ठंडा है। अभी सारे इनर उनर टी शर्ट लाइनर वार्मर जैकेट सब पहना हुआ है, और हल्की हल्की ठंड लग रही है मस्त एकदम। और वो सामने आप देख रहे हो रेगिस्तान, पहाड़ों में रेगिस्तान, डेजर्ट, जहाँ पर होती है कैमल सफारी। So here we are, पहुंच गए हैं हम दो पीठ वाले ऊंट के पास। हेलो बोलो। हेलो हेलो, नाराज लग रहा है। चलो ओके भाई, फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो बहुत बढ़िया बंदे थे, कैमल सफारी मैंने इनके साथ ही करी, मतलब मज़ा ही आ गया कैमल सफारी का, तो अल्टीमेट थी। पूरे अंदर तक डेजर्ट तक घुमा के आए, और अब निकल रहे पैंगोंग लेक के लिए, और टाइम हो गया है अपना 10:30, 4 बज जाएंगे पैंगोंग लेक पहुँचते पहुँचते। उसके बाद हमने सोचा कि लेक के लिए भी आज ही निकल जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है, कितने बजे पहुंचते हैं। प्लान तो काफ़ी बनाते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज रास्ते में कितनी जगह रुकना पड़ता है फ़ोटो खींचने के लिए बढ़िया बढ़िया। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है।
काफ़ी छोटी रोड है, तो प्लीज़ हॉर्न मारते हुए जाएं, क्योंकि सामने से कोई आ रहा होगा। रोड इतनी बड़ी नहीं है कि वो भी आराम से निकल जाएगा, आप भी, आप हॉर्न मारेंगे तो वो भी सतर्क हो जाएगा, तो ज़रूरी है। ये देखिए जैसे ये गाड़ी आ रही है, तो रोड इतनी है, दो गाड़ियां तो पता नहीं कैसे निकलती होगी। अब ये कोने से बाइक निकली, तो बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हर मोड़ पे हॉर्न मारते रहो। और नीचे का व्यू देखो, रिवर। अगर आप हुंदर से आ रहे हैं पेंगोंग के लिए, तो आपको नुब्रा क्रॉस करके, मतलब सेम रास्ते भी आना पड़ेगा खारदुंगला वाले, लेकिन खारदुंगला नहीं आना, आप नुब्रा क्रॉस करके आगे से राइट होंगे तो वहीं एक येलो कलर का बोर्ड लगा होगा बड़ा सा, पेंगोंग लेक के लिए बिल्कुल सीधा जाएं, तो वो रास्ता अलग कट जाता है और वो रास्ता कुछ ऐसा दिखेगा। सो हियर इज अवर फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। पहले छोटे चेतन को जाने देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बारी में निकल गया चेतन, तो पैर नीचे नहीं रखने का और चुपचाप निकल जाओ। ओ वो 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 बाहर बहुत ज़्यादा मेरी बाइक के पीछे और मज़ा आ गया। लेकिन तो मेरी बुलेट पे सामान काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका भी है, मेरा भी थोड़ा बहुत है, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं। रोड है आगे कि नहीं है? नाउ दिस इज कॉल्ड टोटल ऑफ रोडिंग। रोड तो है ही नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। ओ, कोई शॉर्टकट था क्या ये? पता नहीं, जो भी था निकल आई रोड आखिरकार। तो यहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े पैच मिलने वाले हैं ऑफ रोड के, अगर आप नुब्रा से पेंगोंग जाएंगे डायरेक्ट। छोटे छोटे तो नहीं लग रहे, दूर तक रोड नहीं नज़र आ रही, लेकिन अच्छा है, कुछ अलग करना है। वो आ गई रोड सामने और हम पहुंच गए, ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। श्याओ, अनदर, लो भाई, श्याओ, मज़ेदार। दिस इज नाइस मैन, बढ़िया। और यहाँ से अपनी फिर से चढ़ाई चालू होती है, अगम 17। वो देखो रोड कहाँ से कहाँ जा रही है, ऐसे करते 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 हम माउंटेन क्रॉस करके दूसरे माउंटेन पे पहुँच जाएंगे। इसे कहते हैं रोड, बढ़िया रोड, मज़ेदार रोड। अब ये कितनी दूर तक ऐसे रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन व्यू भी बढ़िया है, मौसम तो यहाँ 12 महीने ही बढ़िया रहता है, और रोड तो देख ही रहे हो आप। OMG, सो हियर इज अनदर वाटर क्रॉसिंग। अरे दिखने में छोटी लग रही लेकिन गहरी है ये, तो पैर ऊपर रख लेता हूँ, जूता नहीं भीगना चाहिए। वो अच्छी थी, मज़ेदार थी। तो अभी ताज़ी ताज़ी रोड बनी है यहाँ पर,
उसके ऊपर ये लोग मिट्टी डाल के सुखा रहे हैं ताकि सूख जाए, आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स, नहीं तो इनको क्या है यार, रोड बना दी, अपने घर जाएं, जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन हमारे लिए उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं पहले ताकि वो सूख जाए, मिट्टी सोख ले, फिर उसके ऊपर झाड़ू मार के मिट्टी वापसी हटा रहे हैं। हिम्मत होती है यार, हिम्मत जो इनके पास है, हमारे में तो क्या, हम तो बाइक पे बैठ गए चल पड़े भाई, हाँ राइड पे जा रहे हैं। अरे तो क्या राइड पे, बाइक लेके जा रही है, हम चलते जा रहे हैं, जहाँ बाइक दिक्कत देती है वहाँ हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेहनत करते हैं लोग, हैट्स ऑफ। ये लकी माना जाता है इसको घुमाना, तो घुमा लूँ, लेफ्ट से राइट घुमाते हैं। ओके, देखा आपने घंटी कैसे बज रही है, वो घूमता है, डंडी लगाई हुई है। सो दिस इज अगम, अगम पहुंच गए हैं। अगम शी वॉक 37 किलोमीटर, अनदर ऑफ रोड पैच, और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बारिश तेज़ हो गई, तो आगे अगर कोई वाटर क्रॉसिंग होगी उसमें भी पानी बढ़ जाएगा, और हमें भी वाटरप्रूफ जैकेट वगैरह पहननी पड़ेगी। रिंकू पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है भाई, रिंकू पॉइंट किसी बंदे ने लिख दिया होगा। ओके, मिट्टी जहाँ है थोड़ा स्लो कर लो, पीछे वाला टायर आगे वाला टायर स्किट ज़बरदस्त मारता है, और यहाँ तो ज़्यादा ही है। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। देखा, कह रहा था ना स्किट मारता है, तो ये स्किट मारा था उसने। मिट्टी में एकदम से ऐसे 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 ऐसे, तो या तो सीधी निकल जाएगी या स्किट मार के वहीं रुक जाएगी। शूटिंग स्टोन एरिया, ये पत्थर ऊपर से गिरते हैं और रोड को ऑफ रोड बनाते हैं। ओ ओ ओ ओह, चेक आउट दिस रोड, कैसे माउंटेन से घिरी हुई है और बीच में से हम निकल रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत कूदना पड़ेगा आपको नुब्रा से पेंगोंग आते हुए, और मुझे लग रहा है इतना कूद कूद के दो दिन तक मुझे यही लगेगा कि अभी भी कूद ही रहा हूँ बाइक पे। बहुत ऑफ रोड है, बहुत ज़्यादा, बीच में रोड है काफ़ी बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जब ऑफ रोड आता है तो वो रोड तो ध्यान ही नहीं आती, ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया। तो जिस जिसके सपने हैं ऑफ रोड के, वो सारे इस रास्ते पर पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक और ऑफ रोड पैच है, तो चलो चले। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं मजे। और ये है वाटर क्रॉसिंग, लेट्स गो। ओ मैन, पैर नहीं रखने, नीचे नहीं रखे, बच गया मैं तो यहाँ रोकने का। मजा आ गया भाई, जबरदस्त था। चलो आगे भी रेगिस्तान है।
आ ले चक मैं आ गया, एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई। जूते बचाने हैं, बाइक बचानी है। पानी का बहाव तो बहुत तेज है वैसे। उत्तरी कोई नहीं कोई नहीं, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पत्थर ही ऐसे हैं जिनके बीच में टायर फंस जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जान दो बहुत बढ़िया, रेस नहीं छोड़ने का, यहाँ से चढ़ा दो ऊपर। ओ तो जूते भीगने से कोई भी नहीं रोक सकता था, भीग गए। तो आधी से ज़्यादा बाइक पानी में थी, वो देखो कहाँ कहाँ तक पानी चला गया, पूरे शॉकर तक, ऊपर तक, नंबर प्लेट तक पानी में। तो ऐसी वाटर क्रॉसिंग भी मिलनी चाहिए मैं तो मानता हूँ, क्योंकि कुछ मज़ा बना रहता है। पता तो लगे कि आप राइड पर आए हो, सीधी सीधी रोड पे चल चला के घर चले गए, वो मज़ा ही नहीं आएगा। तो भाई फुल एंजॉय किया, शूज़ गीले हो गए हैं, कोई नहीं वो तो यार सूख जाएंगे। अब चलते हैं पेंगोंग, ज़्यादा दूर नहीं रहा, बस पास ही है। मे बी आगे अनदर वाटर क्रॉसिंग है, डोंट नो, बिकॉज राइडर्स रुके हुए हैं। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अरे 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 अरे, हाँ छोटी छोटी हैं, नॉट डिफिकल्ट वन जैसे पीछे थी। निकल गई हमारी बाइक, निकल गई। तो आज की राइड सबसे एडवेंचरस भरी है, मतलब जो आज वाला दिन है ना वो नहीं भूलूँगा, भूलूँगा तो कोई भी नहीं, लेकिन आज जो मज़ा आया है वाटर क्रॉसिंग ऑफ रोड, यही तो मुझे अच्छा लगता है। यही मेरी Z800 होती तो आतंक मचा देता मैं, लेकिन इस पर भी काफ़ी मज़ा आया, दिल खुश हो गया। आपको कमी नहीं लगेगी कि वाटर क्रॉसिंग आपके लिए कम पड़ गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ओह ओह सुपर्ब सुपर्ब मैन सुपर्ब। यहाँ तो हम साइड से भी निकल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें पानी में से निकलना है, लेकिन ये पत्थर भी बहुत हिलाते हैं बाइक को। ओह 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 वो, तो ऑफ रोडिंग तो आज दबा के है, जितना हमने प्लेन रोड पे नहीं चलाई उससे ज़्यादा ऑफ रोड चलाई है। रोड देख रहे हो कितनी छोटी, और खाई देख रहे हो, बस नज़र हटी
और दुर्घटना घटी, ये वाला हाल है। ओ भाई साहब, सुपर गहराई है, सुपर सुपर मतलब सुपर से भी ऊपर, और हम बहुत ज़्यादा ऊपर ही हैं। वो नीचे देख के मज़ा तो बहुत आता है, कहीं को डर लगता है ऊंचाई से, लेकिन मुझे नहीं लगता। लो जी लो, आ गई है वाटर क्रॉसिंग। पैर को ऊपर रख लेते हैं और बस निकल जाए। ओ नहीं भाई नहीं, बच गए भाई साहब, जबरदस्त थी ये भी, क्योंकि हमें गहराई का नहीं पता लगता ऊपर से, और ना ही पता लगता कि अंदर कैसे पत्थर हैं, तो इसमें मोटे मोटे पत्थर थे। जैसी बाइक ऊपर से निकलेगी वो यहाँ वहाँ और बाइक आपकी यहाँ वहाँ। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो बीच में? आई थिंक ये कुछ डिस्कस कर रहे थे बीच में खड़े होके, कि वो वाली कह रही थी उस साइड जाएंगे, ये वाली कह रही थी इस साइड जाएंगे, तो थोड़ा डिस्कशन चल रहा था गहरा। होप सो मैंने उन्हें डिस्टर्ब ना कराऊं। अगेन बारिश स्टार्ट, वो आगे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है आपको, मे बी आगे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और यहाँ धीरे धीरे हो रही है, बिल्कुल धुंधला। वो हवा में शायद बारिश दिख रही है या क्या है, ओस है, हाँ बारिश ही है ये। देखो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे तेज़ हो रही है, तो थोड़ी और आगे जाते अगर ज़्यादा तेज़ मिलेगी तो रेनकोट पहन लेंगे। ले अगर यहाँ से सीधा निकल जाओगे 110 किलोमीटर है, तो वापसी हम यहीं से आएंगे, तो अभी तो हमें यहाँ जाना है पैंगोंग के लिए। पेट पूजा हो जाए है? रोक लो फिर साइड पे, यहीं पर बैठ जाएंगे और क्या। तो मैंने सही कहा था आगे बारिश हो रही है, अच्छा हुआ हम यहाँ पे रुक गए, थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं आगे फिर निकलेंगे आगे। मैं फ्राइड राइस और आमलेट, वो मैगी, मैगी भी मैगी खाता है वो और कुछ नहीं खाता। आमलेट भी खाया, आमलेट भी खाया। वाह आवाज़ आ गई है दूर से ही। अब देखो मौसम एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, और पहले आपने देखा होगा तो वो बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी आगे, अच्छा हुआ पेट पूजा भी हो गई, मौसम भी साफ हो गया, रेनकोट भी नहीं पहनना पड़ेगा। सो पेंगोंग लेक इज जस्ट 35 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और अभी टाइम हो रहा है 3:30, तो 4:30 तक पहुंच जाएंगे हार्डली, फिर उसके बाद देखते हैं, ले का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा आज का। आज पेंगोंग ही रुकेंगे, कल ले, परसों श्रीनगर, और उसके बाद दिल्ली। आ गई आ गई आ गई, मे बी दिस इज़ द लास्ट वाटर क्रॉसिंग, तो बहुत गहरी है। ओ बच गए जूते इस बार, तो आधे जूते तो सूख चुके हैं क्योंकि हवा लग रही है, चलते चलते सूखते जा रहे हैं, पेंगोंग पहुँचने पहुँचने तक पूरे सूख जाएंगे। वो देखो छोटी सी पेंगोंग लेक, अरे यहाँ से छोटी सी दिख रही है, बहुत बड़ी है, तो फर्स्ट व्यू उसका यहीं से दिखता है। अब तो पता लग गया होगा ज़्यादा दूर नहीं है, और टाइम हो गया है 4:15, हार्डली 15 मिनट और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। मज़ा आ जाएगा, रोशनी रोशनी में पहुँचने का मज़ा ही अलग होता है, फ़ोटो बढ़िया बढ़िया क्लिक हो जाती है। सो हियर वी आर एट पेंगोंग लेक, बहुत ही खूबसूरत लेक है ये, अभी आपको पास से दिखाऊंगा। और
और गुरुद्वारा भी है यहाँ पे शेर दिल। लुक एट द व्यू, कितना ही सुंदर है यार। अब हमें रहने की जगह देखनी है, वो तो आ गई है। सामने का व्यू देख रहे हो, मतलब कुछ अलग ही लेवल है। यस, मुझे याद आ गया, पिछली बारी मैं यहीं कहीं रुका था, अच्छे से याद है मुझे, यहाँ या वहाँ। तो देखते हैं, पहले अपना कैंप या टेंट वगैरह ढूंढ लेते हैं, उसके बाद ही आएंगे यहाँ पर सामान उतार के। तो वो अपने पीछे पेंगोंग लेक और हमने टेंट ले लिए हैं यहाँ पर, और हमें टेंट पड़ा है 1000 rupees फॉर 2 persons, जिसमें ना डिनर इंक्लूड है ना ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, वो अलग से। और टेंट में ख़ास बात, आपके लिए कुछ भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज करने के लिए आपको इनके नीचे जहाँ पर डाइनिंग है वहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है, वो भी रात को जलेगा, अभी बंद है। तो कुछ भी आपको चार्ज करना हो 11 बजे से पहले पहले कर लें, वो भी नीचे जाके, क्योंकि 11 बजे मुझे याद है पिछली बार भी लाइट चली जाती है, फिर सुबह आती है, पता नहीं कब आती है, लेकिन कुछ भी चार्ज करना हो तो नीचे जाके चार्ज कर लें। और टेंट बढ़िया है, लोकेशन A1 है। अभी वहाँ जाएंगे, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा है, बोलते बोलते भी सांस चढ़ रही है, आपको पता लग रहा होगा। तो टाइम से चल लेते हैं, इससे पहले अंधेरा हो जाए। सिर्फ सामान उतारने आए थे कि सामान यहाँ पर सारा अपना सेट कर दें, फिर देखते हैं बाइक लेके जाने की, तो जगह है नहीं। 3-4 दिन पहले ही ब्लॉकेज लगाया कि बाइक आगे नहीं जा सकती, तो पैदल ही जाएंगे। फ़ोटो वोटो बढ़िया बढ़िया क्लिक करेंगे, रात को डिनर करेंगे और सो जाएंगे। फ़ोटो क्लिक करने जाना था, लेकिन मौसम एकदम ख़तरनाक हो गया है, बारिश हो रही है, तो कल सुबह जाएंगे। और यहाँ अपने भाई लोग मिले। ये कहाँ से हो भाई आप? बेंगलोर। ये बेंगलोर, वो दिल्ली, नोएडा ना? नोएडा। और आप? बेंगलोर। तो यार बहुत अच्छा लगा इनसे बातें करके। और अभी अभी मेरे को दिखा पीछे स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो अपना भी चिपकाना तो बनता है ना भाई। तो यहाँ पर बेनेली का टायर पंचर हो गया, ज़्यादा आज ऑफ रोडिंग हो गई, तो अब लगाने की कोशिश की जा रही है। तो फाइनली टायर पंचर लगा लिया है, डिनर नीचे जाके करके आए, लेक के वहाँ जा नहीं पाए बिकॉज आते ही बारिश चालू हो गई थी। और वाटर क्रॉसिंग तो आपने देख ही ली होगी, बहुत तगड़ी तगड़ी थी। तो जब भी आए थोड़ा ध्यान रखें। तो थोड़ा अमित बताएगा वाटर क्रॉसिंग के बारे में, बताओ भाई। भाई थोड़ी सी बड़े टायरों वाले व्हीकल हो, क्योंकि छोटा टायर होगा ना, मेरी बाइक का हाफ टायर नीचे चला गया था, क्योंकि पत्थर ही पत्थर थे। तो बस बढ़िया बड़े टायर होंगे तो भी अच्छा चलेगा, तो भी अच्छा चलेगा। और Z800 को बहुत मिस किया यार, बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम उसे लेकर आएंगे या कुछ ना कुछ और बढ़िया लेकर आएंगे। बाकी बुलेट ने भी बहुत साथ दिया, सस्पेंशन बुलेट के A1, मतलब कि सारा सस्पेंशन यूज कर लिया, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की वाट लगा दी इसने। इसकी लैपटॉप की स्क्रीन पे निशान आ गए हैं हल्के फुल्के, क्योंकि आप कभी भी यहाँ पर आओ ना यार, पूरी सेफ्टी से आओ। ऐसे ऐसे आज ऑफ रोड थे कि बस पूछो मत। और हाँ, एक ऑक्टेन बूस्टर और गया आज, इसकी वजह से गया आज गया, मतलब 3 ऑक्टेन बूस्टर हमने ऐसे बहा दिए हैं यहाँ पर, ले में छोड़ के जा रहे हैं हवा में बहा के। दो तो मेरी बाइक ना ही है। बाकी अब लेक के वहाँ पर सुबह जाएंगे, कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा, फोटो भी क्लिक नहीं कर पाए बारिश की वजह से। और होप करता हूँ आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी, वाटर क्रॉसिंग भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।